और जहां से अपने एक मतलब यदि बुलिस है तो बुलिस डिस्टेंस में जा रही है ना, क्लियर हुआ सर, जो मुझे चाहिए था क्लियर हुआ। है ना। इतना क्लियर सर विनय सर भी नहीं बताया सर मुझे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं सर, वो एक्चुअली अब सर के पास क्या है थोड़ा सा मतलब टाइम का इशू है और कुछ नहीं, है ना। बाकी नहीं रहेगा अगर तो क्या हुआ सर, 4-4 महीने में ये लाइन क्लियर नहीं होती, ये सब लाइन तो बार सर बार ठीक वही रिपीट ये बात तो है सर। रिपीट रिपीट रिपीट, बोर हो गया मैं, छोड़ दिया। सर नमस्कार। सर नमस्कार नमस्कार बताइए प्रदीप द्विवेदी, प्रदीप द्विवेदी वाराणसी से बोल रहा जी सर, हूँ बोलिए सर। सर। ये सर ये इसका केवल ये निफ्टी का थोड़ा सा पूछना था कि जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ 17,400 की 500 के करीब दिखा रहा था, लेकिन मार्केट बिल्कुल, में वही 600 के ऊपर निकल गया था। 600 के ऊपर निकल गया था सर, बिल्कुल सही बात है। हाँ 620 तो दिखा रहा था ना वही सर, थोड़ा सा जी, तो वही 620 थोड़ा हो। सा जो है तो जैसे ये 500 पर था लेकिन ये 600 क्रॉस कर गया था उस छह समय सौ पर, हाँ छह सौ बिल्कुल छह सौ 600 क्रॉस कर गया था। तो वही एक चीज पूछना था कि जैसे अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस 500 पे दिखा रहा है तो हम ये मानते हैं कि बहुत होगा एक्सटेंशन लिया 500 50 50 का डाइवर्जन ले या एक्सटेंशन लेगा, तो वो तो 100 पॉइंट से ऊपर का निकल गया था। हाँ 100 पॉइंट तो निकला है। इस केस में क्या मतलब वाई चेंज पे भी नजर रखेंगे अगर मान चेंज लीजिए पर ऐसा। देखिए, डेली डेली जो रूटीन में है ओआई चेंज पर बहुत नजर बनानी है हमको। ओआई चेंज जी और ओआई, देखिए ओआई का जी ही मतलब जो चेंजिंग होता है स्टैक प्राइस, वही ओआई चेंज है और क्या। मतलब अपनी पोजीशन जगह बदल रहे हैं राइटर, ओआई चेंज है ना। जैसे यहाँ पर 400-500 में राइटर शिफ्ट हुए, ठीक है ना, राइटर 400 से 500 में शिफ्ट हुए, तो राइटर ने अपनी जगह बदली कि नहीं बदली। लेकिन शिफ्टिंग पूरी हुई नहीं ना, तो हम तो यही देख रहे हैं कि भाई अभी 400 पे ही स्ट्रांग बना हुआ है, ओआई भी बना है, वॉल्यूम भी बना हुआ है। हाँ ये है कि 500 की तरफ इंक्रीजिंग है मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुआ, अच्छा लेकिन शिफ्ट हो मार्केट गया अब तब चला भी नहीं, गया। शिफ्ट होने के बाद ही तो गया है 600 के ऊपर, कि उसके पहले चला गया है। उसके पहले ही चला गया सर, 500 के ऊपर चला गया था। अभी हम प्ले करके ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं आपका कि हुआ क्या है ना। जी ठीक है ना, जी अभी 9:25 है, ठीक है, प्ले किया मैं डाटा। अब देखिए ये तो मार्केट में देखिए सपोर्ट साइड बहुत प्रेशर था। अब प्रेशर का प्रेशर आप पहचान पाए हैं कि नहीं पहचान पाए हैं ये तो मैंने मुझे पता है, बट प्रेशर था मार्केट में सपोर्ट साइड। जी सपोर्ट साइड प्रेशर की वजह से मार्केट एक्स्ट्रा फ्लो किया है, पहली चीज। दूसरी चीज जी क्या है कि मार्केट WTT हो गया था सपोर्ट, अपना सपोर्ट जो है तो 400 से 500 में शिफ्ट हुआ है, ठीक है ना। तो जी वो जितना देखिए, यदि यहां से ये 400 से हाँ कहां पर आया, 500 में, मतलब 500 100 पॉइंट है हाँ ना। तो ये यहां पर इसका एक्सटेंशन 500 में दिखा रहा था, तो ये 650 में चला गया, इसका डाइवर्जन ले लिया, यही तो हुआ है और क्या हुआ है। और यहां पर राइटर डिक्रीज हुए हैं, वाई चेंज बिल्कुल ड्रॉप होना शुरू, हाँ इधर से माइनस में हो गई थी। ड्राफ्ट होने का मतलब देखिए, दो हाँ तरह का ड्राफ्ट होना होता है, हाँ मतलब यह कि उसमें नेगेटिव नहीं आई, मतलब कुछ लोगों को ये है कि ये रोक पाएगा, पहली चीज कि 500 में ऐसा कुछ होता कि ये रोक पाएगा, लेकिन यहां से बिल्कुल ड्रॉप होना शुरू हो गए। तो 3 बजे के डाटा में आप देखिएगा, 3 बजे में ही मार्केट 644 का वो हाई बना था। जी ये देखिए अभी ये 9:45 में हमको क्या दिख रहा है कि ये WTT हो रही है ना, इसका परसेंट जी कितना दिखाई दे रहा है, 80% दिखाई दे रहा। जी अब यदि ये परसेंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहां पर सपोर्ट अब हाँ क्रिएट हो रहा है 500, तो जो हमारी थ्योरी है ये जो केसेस की एक वो बताया होगा आदर्श ने, है ना,
कौन से केस में क्या होते हैं, उस केस को यदि आप बेहतर समझे होंगे तो आप समझ जाएंगे मार्केट ने अपनी पोजीशन चेंज की, मतलब 400 से 500 में सपोर्ट शिफ्ट हुआ। तो हमारा जो नया, ये नया सपोर्ट हुआ ना, तो नए सपोर्ट से ही मार्केट वापस चला जाएगा। भले ही मतलब नया सपोर्ट तो क्रिएट किया वो, ठीक है, लेकिन वो शिफ्टिंग पूरी, हाँ पूरी शिफ्टिंग हुई कर रहा है। जैसे अगर पूरी शिफ्टिंग नहीं हुई है लेकिन कर रहा है, तो उस केस में मार्केट अब जाएगा, जाएगा मतलब बन रहा है, देखिए कंसोलिडेट करेगा। यदि इधर भी हम देख पा रहे हैं 17,500 में यदि ओआई इंक्रीज होने लगी, ओआई चेंज भी बढ़ने लगा, तो फिर क्या होगा, ये कंसोलिडेट करवाएगा, इधर भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है, मतलब पैरेलल जा रहे हैं ना दोनों, साथ साथ चल रहे हैं। और यदि साथ साथ चल रहे हैं तो क्या होगा, वो मार्केट कंसोलिडेट करेगा। मान लीजिए कहीं 20 पॉइंट में कंसोलिडेट किया, फिर थोड़ा सा आगे गया, फिर उसके बीच में मतलब एक रेंज बना बना के क्या है, बिग छोट छोट के क्या है, कंसोलिडेट करता रहेगा, ठीक है ना। आप देखे होंगे वो, मैं एक इसको कैंडल में भी प्ले करके दिखाता हूँ आपको कि हुआ क्या। जस्ट स्टॉप करता हूँ इसको, ये 9:15 से 1 मिनट। अब देखिए इस पर नजर बनाइए आप कैसे ये देखिए, ये बिग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं जो मैं बोल रहा था जी। ये देखिए, ये कंसोलिडेट की फिर ऊपर, फिर कंसोलिडेट की फिर ऊपर। अब देखते जाइए, ये देखते जाइए जी, ऐसा कुछ हो रहा था ना जी। तो अब देखिए, जब कैंडल हमको दिख रहा है, यदि मान लीजिए थोड़ा सा कैंडल में, एक मिनट कैंडल में नजर बना रहे हैं, तो कैंडल हमको दिख रहा है कि हाई हायर बना रही है। हाई हायर का मतलब उस हाई के ऊपर एक हायर बनाया, फिर हाई बनाया। अब इसको देखिए, कंपेयर करिए, मान लीजिए यहाँ से ये कंसोलिडेटेड जोन था, जहां पर दोनों तरफ आप देख पाओगे कि ओआई लगभग सिमिलर थी। वो मैं दिखाता हूँ समय कहाँ, 9:50 तक था। उसके बाद टोटल हाई हायर बना रही है, देखिए, और यहाँ से ये स्टॉप से गिराना शुरू किया। देखिए थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, मतलब ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइम लगभग कितने बजे आया है, 2:45, 2:55 चूंकि आता है, 2:30 के बाद ही हमको नहीं करना, सही बात तो ये है, करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए ना, है ना। तो ऐसा कुछ हुआ था इसमें भी, जस्ट वही दिख रहा है, इसको प्ले करके भी मैं आपको दिखाया कि इसमें क्या दिख रहा है, वही चीज दिख रही है कि यहाँ पर कंटिन्यू प्रेशर चल रहा है, ये टॉप की तरफ शिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। देखिए इसका परसेंट इंक्रीज हो रहा है ना, 88% 89 हुआ। देखिए इसके परसेंट पर नजर आइए सर, एक बार बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा दिखा देंगे, क्या दिखा दूं, बैंक निफ्टी अच्छा बैंक निफ्टी का, हाँ जी। एक मिनट बैंक निफ्टी खोलता हूँ, बैंक निफ्टी कल बहुत अच्छा मौका दिया, बहुत ही अच्छा सर, बहुत अच्छा मौका था, बस वही है, मेरा थोड़ा सा अभी भी डाउट में रह गया मैं, और खाली 20-25 पॉइंट लिया, फिर वहां से हट गया मैं, फिर वही आपका कॉल जो है मेरा करीबन 600 के आसपास तक गया, मैं 300 समथिंग पे लिया था, 280 के आसपास लिया था और 315 के आसपास निकल गया, फिर वो चला गया 620 के आसपास निकल गया। कल तो मतलब 0-0 था सर, था कि नहीं, हाँ बिल्कुल, तो वही थोड़ा सा मैं क्या है ना कि इतना ज्यादा शिफ्टिंग थी और इधर से उधर डेटा था कि मैं कहाँ गिरा, ये पता नहीं यहाँ से गिराएगा कि क्या करेगा, क्योंकि आप देखिए ये 40-500 पे पूरा 40-800 दिखा रहा है जो सपोर्ट, वो पहले 40-500 था, सपोर्ट 40-500 का सपोर्ट था, फिर उसके बाद मार्केट ही 700 के आसपास खुला था, फिर उसके बाद अब ये आपका रेजिस्टेंस देख लीजिए, गैप अप खुला है ना मार्केट, सो इसमें तो 200-300 पॉइंट का गैप अच्छा, हाँ एक सिनेरियो में आपका जो ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों 41,000 पे था,
लेकिन मार्केट उस समय चल रहा था 41,200-250 के आसपास, वही अब वो नहीं समझ में आ पाया कि यार ये कल आपसे बात हो रहा है मेरी ना एक बार नहीं हो पाई, नहीं कल नहीं हो पाई, कल लगाया था शायद मैं आपको, लेकिन शायद आप व्यस्त थे तो मेरे को लगा कि मैंने फिर आपको दोबारा डिस्टर्ब नहीं किया। जी 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 जी, अभी देखिए 9:20 है, 9:22 राइट जी, और मार्केट हमारी कहाँ पर है, लगभग 40,761 में है, ठीक है ना जी जी। अब यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी दिख रही है, अब देखिए ये मार्केट कहाँ है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी में ये कंसोलिडेट थोड़ा सा यहाँ भी किया है बैंक निफ्टी ने, है ना, ठीक है, ये देखिए प्ले किया मैं इसको, अब देखिए हो क्या रहा, अभी तो AWT भी दिख रहा है ना जी, बट इसके परसेंट पर नजर बनाइए, 88% है ना, ये परसेंट क्या नीचे की तरफ शिफ्ट होने का दिख रहा है कि टॉप की तरफ दिख रहा है, अब देखिए एकदम से फीका हो गया, अभी जस्ट डाटा इंक्रीज हो रहा है, सुबह का टाइम है 9:26 हुआ है, ठीक है ना, अब देखते हैं 9:30 तक हमको ऐसे प्रॉपर कोई ट्रेड 9:30-9:45 तक नहीं करना चाहिए, ये चीज मान लीजिए, है ना, क्योंकि अक्सर लोग ट्रैप होते हैं इसी टाइम में, है ना, कभी कभी क्या होता है कि यदि फर्स्ट टाइम भी देखिए वो तुक्का लग गया, कभी की बात अलग है कि हमने प्रॉफिट कर लिया, है ना, बट वो हम मतलब पूरे मंथ में हम यदि हर दिन ऐसा किए तो हमको जिस दिन होगा तो लंबा लॉस लगेगा, लगता है लोगों को, देखिए 9:32 हुआ, है ना, अब देखिए अभी जो सुबह सुबह WTB ख्याल था मन में वो तो हट गया ना, धीरे धीरे ये टॉप की तरफ UI जो है तो शिफ्ट हो रही है, है ना जी, सॉरी, और हमारा जो दिख रहा है 40,700 से 40,800 में हमको रेजिस्टेंस भी WTT दिख रहा है, TT दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये भी TT दिख रहा है, ये भी TT दिख रहा है, अभी हम देख पा रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग सपोर्ट में राइडर ज्यादा, ये क्लियर है कि नहीं, वाई चेंज को कंपेयर करें तो इधर ज्यादा है इधर कम है, ठीक है, अब देखते जाइए 9:40 हो गए, ठीक है ना, अब हम इसको क्लिक करते हैं, अभी ब्रेकडाउन लिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या वैल्यू दिखाई दे रही है 40,743, कहाँ पर डाइवर्जन पर, ये डाइवर्जन हुआ, ये 40,800 डाइवर्जन हुआ, है ना, और कितनी वैल्यू आ रही है 40,743, तो 40,743 डाइवर्जन दिखा रहा है, अब देखते हैं डाइवर्जन मिलता है कि नहीं मिलता है ना, क्योंकि इसका परसेंट जो देख पा रहे हैं वैल्यू परसेंट 90 हुआ है नीचे तरफ, और इसका डब्ल्यू दिख रहा है कितना 83% टॉप की तरफ जी, है ना, अब ये परसेंट क्या है चेंज हो गया है, कैसे चेंज हो गया, क्योंकि 40,800 में भी इसको हम कंपेयर कर रहे हैं 40,500 और 40,800 को, तो जिधर होगा समझिए क्या ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगी उधर शिफ्ट हो जाएगा, सही है ना, तो 40,500 देखिए अब शिफ्ट होने की जहां पर इमेजिनरी लाइन है उधर ज्यादा अट्रैक्शन होता है, मार्केट का खिंचाव होता है उस साइड ज्यादा होता है, तो देखिए ये मार्केट ये जैसे ही 500 में शिफ्ट ना होके WTB ना होके WTT हुआ तो मार्केट ऊपर चला गया कि नहीं चला गया, गया कि नहीं बताइए, और UI चेंज और UI में नजर बनाइए, देखिए क्या होता है, कंपेयर करिए दोनों तरफ का, UI पुट साइड का ज्यादा है, पुट साइड के कॉल साइड के अकॉर्डिंग पुट साइड का ज्यादा, UI चेंज भी, UI चेंज, ठीक है जी, अभी देखिए अभी ये WTT ही है बट शिफ्ट हुआ है ना, और यदि शिफ्ट होगा तो एक्स्ट्रा लेके जाएगा कि नहीं जाएगा जी, है ना, देखते हैं क्या होता है,
जबकि वो 40-700 का 43 का सुबह सुबह लिया है मेरे को लगता है, उसके बाद नहीं आया वहां पर, नहीं आया। नहीं, आपने कहां से बाइंग की थी? मैंने बाइक किया था पर बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी था शायद 800 के ऊपर, 800 के आसपास। ठीक है, वो यही ट्रेड था लगभग जो अभी इसके पहले जस्ट दिखा ना जी। ये एंट्री पॉइंट था, डाइवर्जन का एंट्री पॉइंट था, एक्सटेंशन तो लिया ही नहीं, सही है ना? जी, इसी के आसपास आपको देखा ना ट्रेड, ये डाइवर्जन था 800 का, 40-800 754 गई थी मार्केट पहले, है ना जी। तो जैसे सर मेरा तो सर मेरा पूछने का यही केवल था कि जैसे इस तरह का जब डेटा शो करता है चार्ट, मतलब इस पे कैलकुलेटर पे, और जिस तरफ की शिफ्टिंग दिखा रहा है, जिस तरफ का ओआई और ओआई चेंज दिखा रहा है, तो आप उस तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। बिल्कुल, क्या है कि जब जब ज्यादा शिफ्टिंग दिखाता है येलो और ग्रीन और ये पिंक वाला, तो जब पर्टिकुलर एक जगह पे सपोर्ट और शिफ्टिंग दिखा रहा है, वो दिखा रहा है रेजिस्टेंस, लेकिन शिफ्टिंग कई जगह का दिखा रहा है और डेटा कई जगह का दिखा रहा है कि यहाँ का डेटा चेंज हो रहा है, यहाँ का माइनस हो रहा है, यहाँ का प्लस हो रहा है, तो हम केवल उस पे फोकस करेंगे कि मतलब जिस तरफ का मार्केट का हम यहाँ स्ट्राइक प्राइस है इस जगह पर फोकस करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर चल रहा है ना जी, जी, तो जी, यहाँ पर हमारे फेवर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना जी, जी, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे फेवर में चेंजेस नहीं हो रहा है और हम वहाँ पर फोकस कर रहे हैं, हमको यहाँ से मतलब है कि यहाँ क्या चेंजेस आ रहे हैं।